हेलो एवरीवन, वेलकम टू द GHL एकेडमी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल GHL एकेडमी पर। आज का टॉपिक है IU64। तो ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आयुष मिनिस्ट्री लॉन्चेस नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन ऑफ हर्बल मेडिसिन। ये मैंने कटिंग बिजनेस टुडे से ली है। इसमें उन्होंने क्या बोला कि आयुष मिनिस्ट्री ने नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, ये आयुष 24 के लिए उन्होंने नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब आयुष 24 जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो कि पूरे आपके क्या कहते हैं नेशन वाइड आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो अब आयुष 64 के बारे में हम जानते हैं और क्या क्या है, किस किसने इसने बनाई है, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है, कौन कौन इसे यूज़ नहीं कर सकता है, कैसे खानी है कैसे नहीं खानी है, देखते हैं। आयुष 64 जो है वो एक आयुर्वेदिक फॉर्मेशन, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि क्या है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। किसने बनाया है, कंट्रोल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ये एक एपेक्स बॉडी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या कहते हैं जुडिशरी के लिए एपेक्स बॉडी है, वैसे ही CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ये एपेक्स बॉडी है। किसके लिए, आयुर्वेदा के अंदर ये एपेक्स बॉडी है। किसके अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है। ये किसके लिए काम कर रही थी, मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया के लिए। यानी आयुष हमारे पास अगर हम बात करें तो पहले ये क्या कहते हैं हमारे पास मैनेजमेंट के लिए, यानी मलेरिया के काम के लिए आयुष 64 को हम पहले लेते थे। यानी अभी नहीं बनाई गई है, ये पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन ये मलेरिया के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहती थी। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, यानी किसने बनाई, CCRAS ने बनाई है, ये मैं पता चल गया। आयुर्वेदिक दवाई है, ये मैं पता चल गया। अब इसका पहले क्या, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या कहते हैं पहले भी थी, ये अभी नहीं बनाई गई है, पहले से ही ये थी, लेकिन इसको हम कोविड में भी ले सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या हमने रिवेल्यूएट करा, ये हमने देखते हैं कि ये ड्रग जो था रिपर्पस करा गया। इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे डाले गए हैं, नोटेबल करे गए हैं, जो कि एंटीवायरल हैं। एंटीवायरल क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोविड वायरस है हमारे, तो ये एंटीवायरल होने चाहिए। इम्यून मॉड्यूलेटर, यानी वो हमारे पास इम्यून शक्ति को हमारे पास बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी पावर हमारे पास बढ़ाते हैं। और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी, अब एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी जब हमें फीवर आता है उसको रिड्यूस करने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए होती है वो एंटी फीवरिश प्रॉपर्टी चाहिए होती है। इसके लिए आपके पास जैसे कि पैरासीटामोल है और क्या कहते हैं क्रोसिन है वगैरह, ये सारी चीज़ें भी एंटीपायरेटिक होती हैं, यानी जो कि फीवर उतारने के काम में रहती हैं। अब हमारे पास IU64 के अंदर 36 से 35 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारे पास इसमें कारगर रहते हैं कोविड वायरस के अंदर। इन्होंने अभी भी पूरा क्लिनिकल टेस्ट करके देखा है। ठीक है, आइडेंटिफाई कराया गया कि ये COVID-19 के लिए भी आपके पास कारगर है। अब कौन कौन ले सकता है COVID-19 इस टैबलेट को, IU64 को कोई भी ले सकता है, जिसको हल्का सा फीवर लग रहा हो, मलेरिया सा लग रहा हो, यानी कोई थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको आपके पास बॉडी एक हो रहा हो, नेशल कंजक्शन यानी आपके पास सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, नेशल डिस्चार्ज यानी नाक बह रही हो, हेडेक हो रहा हो, कफ हो रहा हो एक्सेट्रा, अगर कोई भी आपके पास आपको सिम्टम्स लगते हैं तो डायग्नोस करने के बाद विद इन 7 डेज के अंदर आपको डिजीज़ को यानी RT-PCR का जो टेस्ट होता है, यानी COVID-19 का जो टेस्ट होता है, उसके बाद आप 7 डेज के अंदर इसको लेना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी RT-PCR आपने अगर टेस्ट करवा लिया है उसके बाद आप इसको लेना स्टार्ट कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या है, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं लेकिन ऐसा इतने हाई साइड इफेक्ट नहीं है, खाली लूज मोशन होने के आपके चांसेस रहते हैं कुछ पेशेंट में, जो कि सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, डज नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल इंटरवेंशन। उसके अंदर कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी खुद की वेबसाइट है आयुष मिनिस्ट्री की, उन्होंने उनके पूरा पेज निकाला हुआ है, आप चाहें तो वो आप क्या कहते हैं जाके पढ़ सकते हैं, आपको आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब कितने दिनों के लिए खानी है वो हम देखते हैं। IU64 आपके पास मिनिमम 14 डेज के लिए खानी है। कितने दिन के लिए खानी है, मिनिमम 14 डेज के लिए खानी है। अब ये आप इसको 12 हफ्ते तक भी ले सकते हैं जो भी आपके पास, लेकिन आपको एक आयुष प्रैक्टिशनर से प्रॉपर सलाह लेने के बाद, ये नहीं है कि आप रेगुलर लेते चले जा रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉपर फिर आपको जैसे अगर 14 डेज खाने के बाद आपको प्रॉपर अगर आपको और भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो आयुष प्रैक्टिशनर से साथ कंसल्ट करने के बाद उसके बाद ही आप उसको ले सकते हो। आफ्टर वैक्सीनेशन, आप ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी फीवर आ रहा है तो आप उसके उसको ले सकते हो, हाँ कि ये कहते हैं अगर
यस, अगर पर्सन क्या कहते हैं इन्फेक्ट हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद, तो वो 7 दिन के अंदर, वही मैंने आपको बताया आरटीपीसीआर का टेस्ट करवाने, यानी कोविड आके पास टेस्ट करवा लिया उसने, उसके बाद अगर वो क्या कहते हैं पॉजिटिव आ रहा है सार्स कोविड के अंदर, तो वो कंसल्ट कर सकता है इस फिजिशियन के साथ और उसको क्या कहते हैं ले सकता है। अब डोज कितनी लेनी है आपको, डोज क्या कहते हैं 2 टैबलेट लेनी है दिन में 2 बार, 500 ग्राम की टैबलेट है, दिन में 2 टैबलेट लेनी है दिन में 2 बार। कब लेनी है, 1 आवर आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद गर्म पानी से लेनी है, 14 डेज तक लेनी है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। कौन ले सकता है, जिसको माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में आ रहे हैं वही ले सकता है 500 ग्राम, अगर ज़्यादा माइल्ड एंड मॉडरेट केस आ रहे हैं तो 500 ग्राम से जो 500 ग्राम की टैबलेट होगी वो 3 बार लेनी है खाना खाने के 1 घंटे बाद, वार्म वाटर से 14 डेज तक, ठीक है। अब जो पेशेंट हैं जिसको क्या कहते हैं आपके पास, हमारे पास माइल्ड मॉडरेट डिसीज़ जो क्या कहते हैं जिनको हाइपरटेंशन है यानी हाई बीपी है, जिनको हाई बीपी की शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और जिनको डायबिटीज़ है, बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं, लेकिन एंड आई एडवाइज नॉट टू डिसकंटिन्यू, और उनकी जो दवाई चल रही है वो डिसकंटिन्यू ना करने के बाद, यानी आपको वो जो आप पहले हाई ब्लड प्रेशर की जो ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हैं या फिर डायबिटीज़ की जो टैबलेट ले रहे हैं, प्लीज़ उसको डिसकंटिन्यू ना करिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको डिसकंटिन्यू नहीं करनी है, ठीक है, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें आपको गूगल करेंगे तो आपको एक पूरे पेपर पे मिल जाएगी, वहाँ पर उन्होंने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, कैसे क्या क्या बनाया, कैसे क्या क्या नहीं बनाया हुआ है, सब कुछ उसके अंदर उन्होंने बता रखा है, ये सिर्फ मैंने बस आपको समझाने के लिए इसके अंदर दे रखा है। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरा वर्क पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है, मैं और तरीके की आपके पास इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। अरे हाँ, एक बात और बताना भूल गया कि डीआरडीओ को भी क्या कहते हैं उनकी जो अभी उन्होंने दवाई जो बनाई है कोविड-19 के लड़ने के लिए, उसके लिए भी उन्हें मंजूरी मिल गई है, वो भी क्या कहते हैं अब आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, उन्होंने वो भी क्या कहते हैं 1-2 दिन में शायद अपना मार्केट में डिस्पैच कर देंगे। ग्लूकोज तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं उस पर मैं वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा।